घुटकी में अव के खबर डींदा हलूँ तो घुटकी में बलदियाती इलेक्शन GDA पारा नतीजन की तब्दीली रद्द। बलदियाती चूंड के नतीजन की तब्दीली खिलाफ हजारे मानू आरओ ऑफिस पारा एहतजाजी मुजाहरों कर धरणों हयों। धरणे की क्यादत GDA के MPA सरदार अली गौहर खान मेहर, नादिर अकमल खान लिगारी, सफदर अब्बासी, सरदार हाजी खान मेहर बेन कई। धरणे में खानपुर मेहर, मीरपुर माथेलो, घुटकी, डहरकी मां GDA के कारकुनन वे अंग में पहुंची व्या। इंतजामिया कें भी अणवणंद वाक़े के मुंह दियण लाइ पुलिस की वही नफरी पिण तलब करे वरती है। इन मौके से मीडिया से गालाईंदे GDA के MPA सरदार अली गौहर खान मेहर तो पीपल्स पार्टी असो मैनिडेट चोरी कयो है। ये पे भेरों है जो अस अड़ी धांधली डिठी है। गणप के नाले से रातों रात नतीजा तब्दील कया वन। हि किथे की जमहूरियत है? जैसे इं करो हो तो चूंड छो करायूं? इन है डे बाय डे जो भी कार्रवाई हो रही है, मीडिया दिखा रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट गवाह है इस चीज का कि हम डिस्ट्रिक्ट जीत चुके हैं और जिस हालात में जीते हैं कि सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके जहां हमारी पोलिंग्स है उनको स्लो कर दिया जाता है। और ये है कि जितने लोग सर्कल के अंदर आ जाते हैं वो आपको वोट कराने हैं कानून के मुताबिक, लेकिन 5 बजे टोटल बंद करके हमारी पोलिंग्स को निकाल दिया जाता है। सारा मीडिया गवाह है, पूरा डिस्ट्रिक्ट गवाह है। उसके बाद भी अगर आप इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते तो किस चीज की जमहूरियत है? ये सिर्फ आप जमहूरियत का, पिछली बार ये हुआ है कि हम लोग ये एजिटेशन वगैरह पे बहुत हमारी जो फैमिली है उससे अवॉइड करते। पिछली बार मेरा बेटा था, उसके पास 90% अक्सरियत थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। बजट उन्होंने पास किया 6 महीने तक, आपने डीसीओ पोस्ट ही नहीं किया। मतलब आप तो खुद किसी सिस्टम को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी कोई स्टेट है, अबू धाबी है, सऊदी अरब है, कि जहाँ के जो भी रॉयल फैमिली है जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है। तो इसमें अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट 14 में से अगर हम जीते हैं वो आप हजम नहीं कर सक रहे हैं। और यहाँ आके मिनिस्टर्स बैठ गए हैं और उसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है कि जिस तरीके से कि भाई ये इतनी सीट्स कैसे आ गई हैं। और DC शरीफ जितने उसने वो 22 है, उसके बावजूद भी मिनिस्टर्स मुतमइन नहीं है। अवाम को ये समुंदर को कौन रोक सकता है? तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप कोई भी रिजल्ट करें, क्योंकि आप 22 हैं और इस वक्त शाम को जो अभी हमारे डहरकी के दोस्तों ने हिम्मत की है और आपको रंगे हाथों पकड़ा है, तो ये रिकाउंटिंग तो अब हमें समझ में आ रही है कि सारी 3 दिन से बैलेट बॉक्सेस आपके पास है, तो आप तो उसमें कुछ भी मैनेज करके और रिकाउंटिंग करें। हमारा जो मैंडेट है वो 34 का आ चुका है, हम जीत चुके हैं। बाकी हम किसी चीज को नहीं मानते और हम रिक्वेस्ट करते हैं जुडिशरी को कि वो इंटरफियर करें कि इस किस्म के इलेक्शन पे कैसे आम आदमी लड़ सकता है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके सिंध को हम लोग, हमें फख्र है कि हम कैद आजम की तहरीक में 2 मेंबर थे हमारी फैमिली के। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, शरीफ हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये क्या मुल्क आजाद है? 47 में पाकिस्तान को हमने इसलिए हमारे बड़ों ने ये मेहनत की, हम कैद आजम की टीम में, हम वो मुस्लिम लीग है जो कैद आजम के साथ थे, क्या ये दिन देखना था कि अब हम कौंसलर भी सिंध में नहीं हो सकते? तो मेहरबानी करें खुदा रहा इस किस्म की सियासत से। अब प्राइम मिनिस्टर को कहें, किसको कहें, ये जो है इदारों को कहें कि सारी चीजें आपके सामने, खुदा रहा इस पर चुप ना बैठे। प्राइम मिनिस्टर को भी आजकल यरमाल हुए हुए हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, हम समझ रहे हैं कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन सिंध में तो एक हद हो गई है। आखिर कितना आप हमें दबाना चाहते हैं? पहले घुटकी डिस्ट्रिक्ट के साथ जो आपने जुल्म किया है, वो 18th अमेंडमेंट के बाद जितना भी हमारे रॉयल्टी के पैसे आ रहे हैं उसमें से 1 रुपया आप। मजीद खबरन आई तफसीलात लाए विजिट कयो असा जी वेबसाइट www.awaminewshd.com। आई दिसंदा रहो अवामी न्यूज़।